आगरा में होली के त्योहार पर उस समय सनसनी फैल गई जब नशेड़ियों ने मामूली झगड़े को हत्याकांड में बदल दिया। जानकारी करने पर पता चला कि थाना एतमादौला क्षेत्र के सब्जी मंडी नराइच में रवि का क्षेत्र कुछ नशेबाज युवकों से विवाद हो गया था, जिसके कारण युवकों ने रवि के ऊपर ईंटों से हमला कर दिया। लगातार हमले की वजह से रवि की मौके पर ही मौत हो गई। हत्याकांड की घटना को अंजाम देकर युवक मौके से फरार हो गए। होली पर दिन दहाड़े युवक की मौत की सूचना मिलते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। हत्या की सूचना पर पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौंड, डीसीपी सिटी सूरज राय फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मृतक के शव को पीएम को भेजकर मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया। मृतक रवि मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। युवक की मौत होने से परिवार की महिलाएं दहाड़े मार कर रोने लगी। महिला पुलिसकर्मियों ने रोते बिलखते हुए परिजनों को सांत्वना दी। वहीं पुलिस के अधिकारियों ने पुलिस फोर्स की मौजूदगी में मृतक रवि का दाह संस्कार करवाया एवं युवक के परिजनों को आश्वासन दिया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटना छह लड़के आए थे, चार पैदल पे, दो मोटरसाइकिल पे, बिना आता पिगाई करी लगा है, इसकी मौत हो गई था पिगाई से। किसकी मौत हुई है? मेरे भाई की, रवि की। अच्छा, क्या लगा उसके? आधा लगे था छाती पे। ठीक, क्यों मारा तुम्हारे भाई को? कोई पता नहीं था, तुम जाने लगे से लगा रही था। अच्छा, पहले कभी विवाद हुआ? नहीं, कोई बात नहीं। मतलब किसी तरह घटना क्या बजे की थी? 11:30 बजे। अच्छा, आपने पुलिस को सूचना कब दी? हम तो खाली था, इसको हम ले गए इलाज कराने के लिए। हम मान बोलते जाओ, लोग बता रहे थे ये साल के अंदर दूसरी घटना हुई है मंडी में। रवि का मर्डर हुआ है, ऐसी वो भागे चक्कू मारा है और इसका लगा है इस ईंट से मारा हुआ है। आरोपी पकड़े गए क्या? भाग गए? नहीं, भाग गए, सब फरार है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मूसा है। बताइए क्या घटना हुई है? यहाँ से भैया आया, मैं सभी गुस्सा में आया, मैंने घर बताया नहीं, यहाँ से पल्लव से मारा था, वहाँ मंदिर से रंग है के नहीं, और यहाँ से यहाँ लड़ाई रुक गई थी। किसका भैया आया था? मेरा भाई। क्या नाम है उसका? उसका नाम रवि। अच्छा ठीक है, फिर क्या हुआ? तो मैंने कहा मेरा लड़का आएगा कछु ना आएगा, इतने में यहाँ गेल लो मेरा भैया, फिर पल्लव ना ईट फेंक पेगा खूब तेज की, मैं बीच में गई तो फिर एक ईट मेरे यहाँ लग गई है, मेरे भी लगी पड़ी है, फिर छोड़ के भाग गए, फिर चले गए। एक रुक गवा में दो गाड़ी, एक गाड़ी पे दो गाड़ी थे। नहीं, ये हमला क्यों हुआ? वजह क्या थी? बजाई भी नहीं चल रही, माँ से लड़ाई होती आई है, माता पे तेजा पे बगली बच्चे, हमें पता भी नहीं चली लड़ाई किस बात में। भैया लोग बता रहे हैं उनकी गाड़ी पकड़ ली है, गाड़ी पे मैंने थप्पड़ गले में पकड़ कर, अभी कोई पकड़ा नहीं गया है, गाड़ी लेने आए थे। ठीक है, बस हुआ है थाना एतमादौला क्षेत्र में, क्या मामला है? देखिए, थाना एतमादौला क्षेत्र के ट्रांसमुना कॉलोनी में आज अभी तकरीबन एक घंटे पहले सूचना मिली कि दो पक्ष यहां पर होली खेल रहे थे और उसी में आपस में कुछ विवाद हुआ और एक युवक ईंट लगने से घायल हुआ और उसको तत्काल सूचना पर पुलिस नियरेस्ट हॉस्पिटल गुगल हॉस्पिटल में ले गई, जहाँ उसको मृत घोषित कर दिया गया। घटना के सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं, जो भी व्यक्ति इसमें हैं उनकी शिनाख्त हो रही है और टीमें लगा दी गई हैं अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर किसी भी प्रकार की कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं और आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए शीघ्र ही सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उसमें सजा कराई जाएगी। सर, प्रथम दृष्टया क्या निकल के आ रहा है सर इस मामले में? देखिए, प्रथम दृष्टया रेज का मामला निकल के आ रहा है, जो भी ऐसा लोगों से बातचीत करके लग रहा है कि होली खेलते वक्त विवाद हो गया है और उसमें मारपीट हो गई है, अभी तक ऐसा प्रतीत हो रहा है। कोई गिरफ्तारी है इसमें? इसमें टीमें लगा दी गई है, शीघ्र ही गिरफ्तारी कर दी जाए। ठीक सर, ठीक। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।